गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जिस तरह में सब्सक्राइब बटन लिखा है उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो वहां पर मेरा आईडी दक्षिता तिवारी है, तो उससे मुझे फॉलो कर लेना। हर जगह मेरा नाम दक्षिता तिवारी नाम से ही है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना दक्षिता तिवारी डालना मिल जाएगा शायद। ओके, सो आज का वीडियो है सॉक्स स्टाइलिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सॉक्स के टिप्स देने वाली हूँ। सो बॉयज अगर आए हैं तो वो भी पूरा देखिएगा, गर्ल्स है तो वो भी पूरा देखिएगा। सो गाइस, आज के वीडियो को मैं तीन सेक्शन में डिवाइड करके बताऊंगी। लेंथ ऑफ द सॉक्स, क्योंकि बहुत सारे लेंथ आते हैं सॉक्स के, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉक्स और मटेरियल ऑफ द सॉक्स। उसके बाद कुछ एंड में टिप्स दे दूंगी थोड़े बहुत। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस, सॉक्स बहुत सारी लेंथ के आते हैं एंड हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि नो शो होता है, क्यू लेंथ होता है, काफ लेंथ होता है, मिड काफ होता है, हाई नी हाई होता है, अबव द नी, बिलो द नी, नी साइज। तो बहुत सारे टाइप्स के सॉक्स होते हैं और यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो कितने सारे टाइप के सॉक्स दिख रहे हैं। सो अब इन सॉक्स को मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के सॉक्स होने चाहिए और उन्हें किस तरह से स्टाइल करना है। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। सो गाइज, ये है नो शो सॉक्स, तो इन्हें आप बेलीज के नीचे पहनते हैं। आप देख रहे हैं इसमें आगे सिर्फ फिंगर कवर कर रहा है और नीचे पीछे की एड़ी कवर कर रहा है, तो इन्हें हम इस तरह के बेलीज के साथ पहनते हैं। ये नो शो से थोड़ा और ज़्यादा कवर अप करने वाले सॉक्स हैं। इन्हें आप देखिए थोड़ा आगे तक ये कवर कर रहे हैं, तो इन्हें आप नॉर्मल जो और हाई वाली बेलीज होती है जो पूरा पैर कवर करते हैं, या हमारे कुछ इस तरह के क्रॉक्स और शू होते हैं उनके नीचे आप ऐसे सॉक्स पहन सकते हैं। नाउ ये हैं एंकल लेंथ सॉक्स, तो इन्हें आप अपने स्पोर्ट शूज़ के नीचे पहनेंगे तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये आपका पैर कवर करते हैं, स्वेटिंग आने से बचाते हैं, और आपको जिमिंग करना है, रनिंग करना है, उस टाइम के लिए सॉक्स बहुत ही बेस्ट होते हैं। बाकी आप इन्हें नॉर्मल शू जैसे मैं ये दिखा रही हूँ इनके अंदर भी पहन सकते हैं, तो बहुत हल्के से दिखते हैं और ये एक टेक्स्चर दे देते हैं हमारे स्टाइल को और अच्छे लगने लगते हैं। अभी जो हमने एंकल लेंथ सॉक्स देखे उसी से थोड़ा और ऊपर वाले हैं, तो ये आपके अगर आपके इस साइज़ के बूट होते हैं जो हमारे एंकल लेंथ बूट होते हैं उनके लिए सॉक्स बहुत ही अच्छे होते हैं। आप एंकल लेंथ बूट पे पहनिए, या फिर आपको कैपरी या स्कर्ट्स वगैरह पहनने तो आप उस टाइम इन्हें शू के अंदर पहन सकते हो। यहाँ मैंने दो शूज़ दिखाए हैं, दोनों ही बूट हैं, एक थोड़ा नीचे वाला कट का है और एक उससे थोड़ा ऊपर वाला है, और दोनों में ये सॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बट रिमेंबर कि आप थोड़ा बूट के कलर का ही ये सॉक्स पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सो लेडीज़ नॉर्मली स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं जिसमें उन्हें कट चाहिए होता है, तो उनके लिए तो ये वाले हैं एक सॉक्स जिसमें बीच में कट होता है, और आप इन्हें भी थोड़ा स्किन कलर का लेंगे तो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और इनमें थोड़ा ऐसे डिटेलिंग वाली कढ़ाई वढ़ाई टाइप का ले सकते हैं आप। अब इसी चीज़ में मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले सॉक्स जो थोड़े से और अलग टाइप के हैं। इनका कलर थोड़ा डार्क है तो वैसे ही, तो जब आप ये बारिश वाले जो इस टाइप के स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं तो इसमें आप ऐसे सॉक्स नहीं पहनो, अच्छे नहीं लगेंगे यार। या तो आप इन्हें फोल्ड करो, या फिर आप ऐसे सॉक्स पहनो जो बिल्कुल उसकी लेंथ मतलब नीचे वाली हो, जैसे नो शो वाले मैंने बताए थे ना, वही ठीक लगेंगे। इस पे आपको वैसे सॉक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप इस तरह के फुटवियर पहनते हैं तो आप ऐसे वाले सॉक्स ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही स्किन कलर में हैं, बट एक का मटेरियल बहुत पतला वाला है और एक का मटेरियल थोड़ा सा वूलन टाइप का। ये देखिए जो पतला वाला मटेरियल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो थोड़ा ऐसा है और इसमें स्किन भी आपको दिख रही होगी, नेल्स दिख रहे हैं मेरे, और दूसरा मटेरियल थोड़ा सा मोटा वाला है। ये देखिए मैंने ओवर द नी सॉक्स पहने हैं और इन्हें मैंने ब्लैक कलर की बूट के साथ ही पहना है, और ये भी ब्लैक है, तो ये आपको ये दिख रहा है पूरा ऊपर तक बूट वाला इफेक्ट दे रहे हैं, जबकि मेरा बूट एंकल लेंथ वाला है। अब इन्हें आप दो तीन टाइप से पहन सकते हैं, रोल करके बिलो द नी, अबव द नी, कैसे भी। हमें लगता है कि सॉक्स तो कौन ही देख रहा है, हम लोग ऊपर से टिप टॉप हो जाते हैं, सॉक्स पे कभी ध्यान नहीं देते, बट गाइस सॉक्स पे बहुत ध्यान जाता है। और सॉक्स एक ऐसा छोटा सा पीस ऑफ क्लोथ है जो आपके पूरे स्टाइल को बिगाड़ भी सकता है और अट्रैक्टिव भी कर सकता है। तो या तो आप सॉक्स पहनो ही नहीं तो इन सब चीजों की टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहन रहे हो तो आपको बेशक इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। सो गाइस, बॉयज के लिए फर्स्ट टिप ये है, और ये गर्ल्स के लिए भी है, कि आप ना क्लैशिंग पैटर्न्स को अवॉइड किया करिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक नॉर्मल से आपने पूरा अटायर गेटअप किया है लेकिन आपका जो सॉक है उसमें इतने कार्टून्स बने हुए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्लैशिंग पैटर्न्स। हाँ, अगर आप हॉलीडेज पे हैं, अगर आप किसी ट्रिप पे, वहाँ पे आप अपने स्टाइल में रहो, जो पहनना है पहनो। बॉयज के लिए टिप ये है कि तो आपको अपने जो सॉक्स मैच करने हैं वो हमेशा टाई से या फिर अपने पॉकेट स्क्वायर से, जो यहाँ पॉकेट में लगता है, तो पॉकेट स्क्वायर ट्राउजर से मैच करने हैं, आपके शू से मैच नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज मैंने काले कलर के जूते पहन लिए तो काला ही कलर का मैं मोजा पहनने वाला हूँ और बाकी आपका पूरा अटायर कुछ और ही है। तो फॉर्मल वेयर में आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है,
तभी आपके सॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है एंड आप हीरो लगेंगे। और गर्ल्स के लिए भी यही टिप है, आप भी अपने बॉटम्स में आप जो पहन रहे हैं उसके साथ सॉक्स को ज्यादा अगर मैच कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये टिप के शूज के लिए है, अगर आप सैंडल्स पहन रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए नो शो वाले सॉक्स पहनने की, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है जब आप हील्स के ऊपर कुछ अजीब से काफ लेंथ के सॉक्स पहन लेते हैं। और अगर आप पहनना भी चाह रहे हैं तो आप ये ट्राई कीजिए कि फिर वो आपके सैंडल से ही मैच कर रही हो चीज, ताकि वो बहुत ऑड ना लगे चीजों का। सो अनदर टिप इज कि अगर आप व्हाइट सॉक पहन रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना सेवियर टाइप का होता है, ये बॉयज के लिए टिप है। तो व्हाइट सॉक्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अनदर टिप इज कॉन्ट्रास्ट कीजिए अपने सॉक्स को, ज्यादा नोटिसेबल लुक आएगा। ये चीज कैजुअल के लिए है, अगर आप कैजुअल में हैं, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर पहनिए, फिर आप अपने पैंट्स के मैचिंग मत पहनिए। वो फॉर्मल लुक के लिए था कि टाई पैंट से मैच करो। अगर आप कैजुअल में हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट कलर ज्यादा सूट करेंगे और आप ज्यादा अच्छा लगेंगे। तो हर जगह के लिए अटायर, हर जगह के लिए स्टाइलिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। तो वही ये टिप्स थे। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो है मटेरियल ऑफ द सॉक्स। बेसिकली सॉक्स बहुत सारे कपड़ों में आते हैं, मटेरियल मतलब अनगिनत हैं इस चीज के। बट मुझे लगता है कि सर्दियों के लिए आपको वूलन सॉक्स रखने चाहिए जो बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और ऑब्वियसली आपको ठंड से बचाते भी हैं। और गर्मियों के लिए आप ईदर कॉटन और रेयन के सॉक्स रखिए, क्योंकि सिल्क और पॉलिएस्टर तो सबसे ज्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि वो आपका ना पैर ऐसा बंधा बंधा सा लगेगा, आपको बिल्कुल भी उसमें ब्रीदेबल सा फील नहीं होगा और बहुत ही ना पसीना सोख करता है वो। सो वो अच्छे नहीं है। अगर आप गर्मियों के लिए ट्राई करें तो आप कॉटन सॉक्स लीजिए या फिर आप रेयन के सॉक्स लीजिए। कॉटन और रेयन दोनों ही बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं और इनका मतलब ये स्ट्रेचेबल बहुत ज्यादा होते हैं। जुगाड़ ये है कि अगर आपके कोई भी सॉक का आगे का जिसे हम देखते ना छेद हो जाता है, तो कभी अगर ऐसा हो जाता है सिर्फ एक पैर वाले में छेद हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है और तो आपको उसको काम चलाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप अंदर उसी से मैचिंग जो कलर का सॉक है जिसकी इलास्टिक भी लूज है जो आप फेंकने वाले हैं तो उसे आप उसके अंदर पहन लीजिए, ताकि वो आपका फटा हुआ लुक हट जाएगा। अनदर टिप इज दैट कि अगर आपकी इलास्टिक लूज है सॉक की तो उसमें रबर बैंड लगाने का तो तरीका सबको ही पता है, बट वो मत किया करिए, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था बचपन में, बिल्कुल रेड निशान पड़ गया था और ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा था उस जगह का। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको करना यह है अपने सर्दियों के लिए सर्दियों में पहनिए, या आपका कोई ऐसा बॉटम है जिसमें नीचे इलास्टिक है आपके पैंट में जो फिक्स हो रही है पैर में, तो आप उसके अंदर पहन लीजिए, जिससे वो लूज इलास्टिक वाला सॉक्स भी नहीं निकलेगा वहां से। आप उन्हें बूट्स के अंदर पहन सकते हैं, क्योंकि बूट्स के अंदर डेफिनेटली आपके बूट्स कवर कर लेते हैं आपके एंकल से ऊपर तक की लेंथ को, तो आप उसके अंदर वैसे सॉक्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं डीआईवाई के रेमेडीज बताती रहती हूँ, मैंने अभी तक फुट्स के लिए कुछ नहीं बताया है। तो अगर आप अपने पैरों में कोई क्रीम लगा रहे हैं रात में या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे भी सॉक्स पहन के वही वाले सॉक्स पहन के सो सकते हैं। सो गाइज वीडियो को एंड करते हैं और जरूर बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, हैव अ नाइस डे, बाय।